गांडे विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है। हाल के दिनों में इस सीट की चर्चा पूरे सूबे में होती रही है, देश स्तर पर होती रही है। उसके पीछे की बड़ी वजह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन अभी यहां की विधायक है और संभवतः आने वाले विधानसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार कल्पना सोरेन ही होगी। अब हम जानते हैं पहले गांडे विधानसभा के इतिहास को। हम अभी बात करेंगे गांडे विधानसभा सीट के पहले विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार से। हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि यह इस विधानसभा पर पहली दफा चुनाव कब हुआ, वे जीते कब और कितने दफा उन्होंने चुनाव लड़ा। गांडे विधानसभा क्षेत्र गिरडी जिले में है और गिरडी भौगोलिक स्थिति है। गिरडी जिले के चारों तरफ गांडे विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और गांडे विधानसभा क्षेत्र 77 में पहली बार अवतरित हुआ। इसके पहले गांडे गिरडी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था और बैंगाबाद जो पड़ता है से बैंगाबाद पड़ता था जमुआ विधानसभा क्षेत्र में। तो 1977 में अवतरित होने के बाद और आपातकाल समाप्त होने के बाद हम लोग विधानसभा से उस समय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं था, उसमें जनसंघ था और भारतीय जनसंघ पार्टी से मिल करके आपातकाल का विरोध करने के लिए एक दल बनाया था जनता पार्टी। और हम लोग सभी लोग मीसा के अंतर्गत जेल में बंद थे और जेल से छूटने के बाद 1977 में उस समय जनता पार्टी ने हमको उम्मीदवार बनाया गांडे विधानसभा क्षेत्र से और गांडे विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़े। उस समय गांडे विधानसभा क्षेत्र से जब हमको टिकट मिल गया तो हम बहुत गरीब परिवार, एकदम निर्धन परिवार के आते थे और हमको मिल गया था। एक बार हमको माने कानों में विश्वास ही नहीं हुआ कि हमको भी टिकट मिल गया और टिकट मिल गया और चुनाव लड़े। मेरे पास पैसा था नहीं उस समय, कमलापति राम तरवे यहाँ थे, माने जनसंघ काल से वो जनसंघ काल के बड़ा पिलर थे और उन्होंने हमको 5,000 रुपया दिया और 5,000 रुपया में हम चुनाव लड़े। सब मिलाकर कुल मिलाकर 10,000 रुपया खर्चा हुआ होगा हमको लगता है, क्या सभी लोगों ने अपना अपना पैसा भी खर्चा किया था उस सभी मिलाकर, लेकिन हमको 5,000 रुपया से ही हमको चुनाव लड़ना पड़ा और उसी में हम जीते पहली बार। और पहली बार विधानसभा हम जीत गए और विधानसभा में जाने के बाद में और विधानसभा के जो चर्चाएं होती है उस चर्चा में हम बढ़ चढ़ करके भाग लिया, हिस्सा लिया और जनता का हमने सेवा किया। हम 28 महीना रहे, 28 महीना के दरमियान में हम जनता के पास घर घर जा करके लोगों का जो दुख और सुख में है सब में हमने सहयोग किया और सबके सहयोग मिले। 1995 में हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो गांडे विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते थे और सबसे ज्यादा वोट से उस समय हम जीते थे। उसके बाद चुनाव से फिर हमको उम्मीदवार पार्टी ने बनाया नहीं, पार्टी ने नहीं बनाया तो हम चुनाव नहीं लड़ते थे। और गांडे विधानसभा क्षेत्र का संगठन बहुत अच्छा था, लेकिन गांडे विधानसभा क्षेत्र संगठन रहने के बावजूद भी कई बार वहां से हारे और वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सालखन सोरेन भी कई 4 बार लगभग सालखन सोरेन वहां से जीते और उसके बाद दोनों का 60-60 वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का 60-60 होकर के वो डॉक्टर सरफराज अहमद जी से वो आ गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बने और जीते भी। कांग्रेस से भी वो वहां से जीते थे। इसलिए अभी अगला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि उम्मीदवारी चयन में भूल हुआ उनसे, जो ऐसे उम्मीदवार बनाया जो कल्पना सोरेन से मुकाबला करने में दिक्कत थी। वैसे आदमी बनना चाहिए था जो आदमी गांडे विधानसभा क्षेत्र के हर जगह से वाकिफ हो, चूंकि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की पत्नी थे और हेमंत सोरेन उस समय जेल में थे, ये सहानुभूति भी था। इसीलिए
वो उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमको लगता है, चयन करने में कहीं कहीं भूल हुई और इसीलिए हम सर्वाधिक वोट से हारे, इतना वोट से कभी नहीं हारे थे। और इस बार स्थिति हमारी ठीक है, लेकिन अब तो कोई कार्यकर्ता ऐसा है नहीं जो घर घर जाकर घूमे, घर घर में जाए, लोगों के सुख दुख में साथ दे, लेकिन फिर भी वहां के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी नेताओं के ऊपर है कि उम्मीदवारी का चयन कैसे करता है। क्या बदला हुआ है पहले के चुनाव में जो खर्च होता था, अब जो खर्च होता है, क्या कितना अंतर हुआ है? पहले चुनते थे लोग वोट दे करके, तो कहते थे हम उसको वोट दें जो हमारा आदमी है और हमारे लिए दुख सुख में काम देगा, और दुख सुख में काम देता था तो उसको महसूस था यह आदमी हमारे लिए है, इसलिए अपना पैसा भी खर्च कर करके वो उसको वोट देता था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है, अभी स्थिति है इसको उम्मीदवार ये ठीक है वोट देंगे उसको, और वो इसीलिए बोले कि पार्टी के साथ साथ उम्मीदवारी चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है, उम्मीदवारी का चयन बढ़िया से हुआ तो भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। कितना महंगा चुनाव हुआ है पहले से? हम बोले कि हम तो 5,000 और 8-9,000 10,000 खर्चा हुआ होगा, उससे ज्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी तो करोड़ों रुपया खर्चा होता है, एक चुनाव में करोड़ों रुपया खर्चा था। अब तो पार्टी के लोग सारे लोग देख लीजिए कौन ज्यादा खर्च कर सकता है उसको हम उम्मीदवार बनाएंगे, और उसको पूछता है, पहले पार्टी में सभी दल के पूछता था आप कितना दिन से हैं, कब से हैं, क्या क्या पार्टी में आपने काम किया, ये फॉर्मल था, क्या क्या काम किया है, कौन सा काम किया है, कई बार जनता के लिए आंदोलन के लिए जेल गए हैं, ये सब मैंने फॉर्मल था। लेकिन अब ये बात नहीं है, अभी पूछता है आपकी जात कितनी है और आपके पास पैसा कितना है, ये दोनों जिसके पास भरपूर है उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। देखिए ये थे हमारे साथ गांडे विधानसभा के पहले विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार। इनका कहना है कि गांडे में भाजपा पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। इनका ये भी कहना है कि यहाँ सही उम्मीदवार दे तो भाजपा जीत सकती है। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।